अच्छा होगा कि मैं गाऊंगा, मेरे पीछे पीछे आप गाने के लिए प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा, और उसके बाद में समझने के लिए प्रयास करेंगे तो और अच्छा होगा। आमार जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्येर लेश, आमार जीवन परे रे उद्वेग दिया छी जे को तो, परे रे उद्वेग दिया छी जीवे रे क्लेश, आमार जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्येर लेश। निज सुख लागी पापे नाही डरी दया ही, दया ही न स्वार्थ पर, पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भासी, पर दुख सुख कर, आमार जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्येर लेश। अशेष कामना हृदि माझे मोर क्रोधी दम्भ परायण, अशेष कामना हृदि माझे मोर क्रोधी दम्भ परायण, मद मत सदा विषय मोहित, मद मत सदा हिंसा गर्व विभूषण, हिंसा गर्व आमार जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्येर लेश, आमार जीवन निद्रा लस्य हत सुकार्जे बीरत अकार्जे उद्योगी आमी, निद्रा प्रतिष्ठा लागिया साठ्य आचरण, प्रतिष्ठा लागिया लोभ हत सदा कामी, लोभ हत आमार जीवन
सदा पापे रत नहीं को पुण्य रलेश आमार जीवन एहे न दुर्जन सज्जन वर्जित अपराधी निरंतर एहे न दुर्जन शुभ कार्य शून्य सदानर्थ मन शुभ कार्य शून्य नाना दुखे जर जर नाना दुखे जर जर आमार जीवन सदा पापे रत नहीं को पुण्य रलेश बार्धक्य एखन उपाय विहीन ताते दिन अकिंचन बार्धक्य एखन भक्ति विनोद प्रभुर चरणे भक्ति विनोद प्रभुर चरणे करे दुख निवेदन आमार जीवन सदा पापे रत नहीं को पुण्य रलेश आमार जीवन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे
जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान सीता राम लक्ष्मण हनुमान निताई गौर हरि वो हरि वो हरि हमारे राधा पार्थ सारथी मंदिर के अध्यक्ष महोदय विराजमान है, कुछ आशीर्वचन बोलना चाहें? तो जैसे मैंने बताया कि ये अपना परिचय है, कुछ बोलने से पहले आप लोग को सुन लेना चाहिए कि आप गलत जगह पर तो नहीं आए, क्या सुनने जाए, किससे सुने तो पता तो लगा लें। तो आमार जीवन सदा पापे रत नाही का पुण्यर लेश, हमारा पूरा कैरियर टिल नाउ पूरा जीवन केवल पाप कार्य में व्यस्त रहा, पुण्य का लेश भी नहीं है। समझ में आता होगा, बिल्कुल पुण्य पुण्य कुछ नहीं किए, केवल अन्याय अत्याचार अहिंसा गलती ही करते रहे, सदा पाप रत। कैसा पाप किया? परे रे उद्वेग दिया छिजे कत दिए छी जीवे रे क्लेश। यहाँ बोलते हैं कि मैं दूसरे को दो प्रकार के कष्ट दिया, एक तो उद्वेग दिया और क्लेश दिया। उसमें अंतर क्या है उद्वेग और क्लेश में? उद्वेग है मानसिक कष्ट और क्लेश है शारीरिक कष्ट। मानसिक कष्ट कैसे देते हैं? गालियां दे देते हैं, ऐसे बोली बोल देंगे तो साल भर तक हो, है कि नहीं? ऐसे कटु वाक्य बोलेंगे, इस प्रकार मानसिक कष्ट देंगे भाषा से वाणी से बोल करके। तो इस प्रकार प्राय जीव को मानसिक कष्ट बहुत दिया हूँ, उद्वेग दिया हूँ और क्लेश भी दिया हूँ, शारीरिक कष्ट भी दिया हूँ। निज सुख लागी पापे नाही डरी दया ही न स्वार्थ पर। आपने सुख के लिए पाप काम करने के लिए कभी पीछे नहीं हटा, बिल्कुल आगे रहा, और दया ही न और स्वार्थ पर, दया तो है नहीं, हमेशा स्वार्थी रहा। पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभाषी, ये लक्षण है हम लोग का। हमेशा बोलते हैं कि मैं दुखी रहा, अधिकांश क्यों दुखी रहा, क्या कमी है आपका, कुछ एंगेजमेंट नहीं है, कोई इनकम सोर्स नहीं है? नहीं नहीं, सब कुछ है, गाड़ी है, कोठी है, बिजनेस है, कमाई है, सब कुछ है, घर बाड़ी, फिर दुखी किस लिए? ना मेरा सब कुछ है इसलिए दुखी नहीं है, मेरे पड़ोसी में उनका सब कुछ है क्यों, उसके लिए मुझे दुख होता है। मैं सब कुछ मेरा पास ठीक ठाक है इसमें मैं सुखी नहीं हूँ, मेरे पड़ोसी में सबका भी ठीक ठाक है वो भी सुखी क्यों है, इसी की वजह से मैं दुखी हूँ, इसी की वजह से दुखी हूँ, कभी सुखी नहीं ना, कभी कभी सुखी होता हूँ, कब ना उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनका घर में चोरी हो जाता है, आग लगा जाता है, उनका दुख होता है तब मुझे थोड़ा सुख लगता है कि कुछ, अब फिर ठीक ठाक होकर आ जाता है फिर दुखी होता हूँ, ये हमारा स्वभाव है। दूसरे का सुख देख करके हम सहन नहीं कर सकते और दूसरे का दुख देख करके आनंद आता है। अशेष कामना हृदय माझे मुर,
क्रोधी दंभ परायण, हमेशा हृदय में ना जाने कितने कितने प्लानिंग है, अशेष कामना है, वो हमेशा क्रोधी और दंभ परायण है। मदमत्त सता विषय मोहित हिंसा गर्भ विभूषण, हिंसा और गर्भ को तो गला में टांग कर घूम रहा हूँ, विभूषण अलंकार है। तो इस प्रकार कभी भी अच्छा काम किया नहीं जीवन में, सुकार्य विरत निद्रा आलस्य में रहता हूँ, अकार्य उद्योग गलत काम में हमेशा उद्योग किया, प्रतिष्ठा के लिए चीटिंग करने के लिए कभी पीछे नहीं हटा, प्रतिष्ठा ला किया साठ्य आचरण सठता चीटिंग, अपने नाम कमाने के लिए प्रतिष्ठा के लिए हमेशा साठ्य आचरण करते रहा, लोभी हूँ सदा कामी हूँ, एहना दुर्जन सज्जन वर्जित, इस प्रकार में कभी भी सत्संग नहीं किया, दुर्जन के संग किया, अपराधी निरंतर निरंतर अपराध करता रहा, शुभ कार्य शून्य सदा अनर्थ मन, नाना दुखे जर नाना दुख में दुखी था। अब तो ये सब काम करने के लिए भी शरीर साथ नहीं देता, दूसरे को कष्ट देना और गाली देना, पाप कर्म करना, चीटिंग करना, ये खूब करता था, लेकिन अभी बूढ़ा हो गया, अभी शरीर साथ नहीं देता ये सब काम करने के लिए, मन तो करता है लेकिन शरीर साथ नहीं देता। वार्धक्य एखन उपाय विहीन, अब क्या करूं, कुछ गलत पाप काम अन्याय नहीं कर पाता हूं, चाह कर भी, इसलिए अभी टेम्पल में आया हूं फुल टाइम ज्वाइन करने के लिए, ये हमारा कैरियर रहा, इसी कैरियर को बायोडाटा को लेकर के अभी बुढ़ा हो चुका हूं, घर में घरवाले भी नहीं पूछती है, बेटे भी बोले गेट आउट, क्योंकि जब रिटायरमेंट होता है केवल कंपनी या गवर्नमेंट से निकलते नहीं, सब कुछ रिटायर कर देते हैं, है ना, नहीं तो सब प्रकार से उपायहीन होकर के असहाय होकर के अब भगवान के मंदिर में आकर के प्रार्थना करते हैं कि ये मेरा बायोडाटा है, अब मुझे आप स्वीकार करें। वार्धक्य एखन उपाय विहीन तात दीन अकिंचन, अब इस प्रकार से ठाकुर जी के पास दुख निवेदन करते हैं। तो फिर भी इस प्रकार के स्थिति में भी अगर कोई आकर के सच में इन मूड ऑफ रिपेंटेंस अपने हृदय को खोल कर सच्चाई से यहाँ बोला गया, खोल करके बोले प्रभु के सामने, प्रभु फिर भी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, भगवान इतने कृपालु है, वही आशा करते हैं कब मेरे पास आएगा, कष्ट तो पाता है कब मेरे पास आएगा, इसी के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। तो हम ये हमेशा ये बात कहते हैं कि हमारा जीवन की लक्ष्य क्या है, सादा सीधा भाषा में शास्त्र के यही कहना है कि प्रत्येक मनुष्य, विशेष करके प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य जो हैं कृष्ण के हैं, कृष्ण के लिए ही हैं, समझ गए ना, हम सब क्या है, कृष्ण के हैं और कृष्ण के लिए ही हैं, बस अगर ये दो काम से हम अलग कुछ किए तो फिर गड़बड़ है, दुख पाएंगे, इसी को समझना है। और इसी ज्ञान को देने के लिए श्री कृष्ण अजन्मा होते हुए भी जन्म लीला करते हैं, और जन्म हो करके कितने कितने मधुराति मधुर लीला करते हैं, हम पिछले 4-5 क्लास से यही चर्चा कर रहे थे भगवान की बाल लीलाओं के बारे में, और जो जो लगातार सुने हैं उनको तो पता नहीं, लेकिन जो आप लोग कुछ आज ही आए
तो भगवान के जन्म लीला से लेकर के एक साल तक लीला तक हम वर्णन कर रहे थे। तो हम पहले पुतनाबद्ध के बाद शकटासुर, तृणावर्त, भगवान ने 7 दिन में पुतना मैडम को आउट किए थे। उसके बाद में हर महीना में उनका कुछ ना कुछ संस्कार होते रहा। अब हम कल शाम तक 6 महीना तक लीला का वर्णन किए थे। अन्नप्राशन हो गया था उनका, भूमि उपवासन, धरती पर बैठे और अन्नप्राशन हुआ था। उसके बाद में आज सुबह 1 साल के उम्र में जो लीला किए थे तृणावर्त उद्धार, उसका चर्चा किए थे। बीच में उनका शैशव था, 6 महीना से लेकर के 1 साल के उम्र तक भगवान ने जो बाल सुलभ क्रीड़ाएं की, शिशु अवस्था में जो शिशु चपल क्रीड़ाएं करते हैं, ये क्रीड़ा करते रहे, वो उसमें भगवान की रिंगण समझता ना, रिंगना, रिंग करके चलना, घुटर वन में क्राउलिंग समझते नहीं, 4 व्हीलर, 2 हाथ और 2 घुटने, इसमें चलना। आप लोग सोच चले ही होंगे, ऐसे थोड़ी खड़े हो गए होंगे, भूल गए क्या? उसको रिंगण लीला कहते हैं, रिंग कर चलना। और भगवान के तोतली बोली और चाली, फिर खड़े होते हैं फिर चलते हैं। तो ये जो अवस्था है शिशुओं का, बहुत ही आकर्षक अवस्था होता है। तो श्री भगवान के कैसे रहा, हम बताए थे कि नंद गोकुल में भगवान कृष्ण जब नंद भवन में पैदा हुए तो नंद महाराज के और भी 4 भाई थे, ऊपर 2 भाई नीचे 2 भाई, उन सभी का भी पुत्र हुए थे उसी समय में। और रोहिणी देवी, उनके भी पुत्र बलराम थे। पूर्णमासी देवी, उनके साथ उनके पुत्र मधुमंगल भी आया था। और जितने नंद गोकुल में गोपियाँ थी श्रेष्ठ, सभी का घर में भी पुत्र थे। और ये सारे ग्वाले, छोटे छोटे जो बालक थे, उन सब का सहज आकर्षण था कृष्ण के प्रति। केवल छोटे बच्चों के नहीं था, ब्रज में कोई ऐसा प्राणी नहीं था जिसका आकर्षण नहीं था, सबका था। इन बच्चों तो अपने माँ का दूध पीना भी भूल जाते थे। कृष्ण जहाँ बैठे थे, जब बोला ना कि उनको भूमि में बैठाया गया 6 महीने के बाद, धरती पर बैठाया गया, तो भगवान ने पैर को सरक करके हाथ ऐसे करके बैठ गए, थोड़ी देर बैठाया गया, फिर देर बैठ। माँ जसमती तो डरती थी, बैठाना नहीं चाहती थी, लेकिन अतुला ने बोली, जीजी बच्चे को नहीं बैठाएंगे तो उनका शरीर पुष्ट कैसे होगा, विकास कैसे होगा, कुछ तो श्रम करना चाहिए उनको। और सचमुच बैठाए तो 2-4 दिन में उन्होंने उठकर बैठने लगे, फिर घुटने के बल पर चलना शुरू किए, अब तक तो पल में पड़े थे, गोद में पड़े थे, कोई बेड पर रहते थे, अभी घुटने बल पर अपने स्वयं चलने लगे। जब चलते हैं, घुटर बन चलते हैं बच्चे, बिल्कुल अज्ञान रहता है, कोई ज्ञान नहीं है, हमेशा उनको ध्यान में रखना होता, पता नहीं कब क्या करें, किसको पकड़े, कुछ क्या करें। और कृष्णा
जब इस अवस्था में थे तो नंद गोकुल के जितने बालक थे छोटे छोटे इसी उम्र के, वही 6 महीना 4 महीना 8 महीना वाले सारे बालक सुबह होते ही रो रो करके तंग कर देंगे, उनके माताएं उनको लेकर आना पड़ेगा नंद भवन में, निश्चित आना पड़ेगा। सभी के माताओं ने अपने अपने बालक को नंद भवन में लेकर के आएंगे, वो बच्चे आकर के वहीं शांत होंगे, नहीं तो घर में उदम मचा कर नहीं रह सकते। और वो माताएं कहती है, बोले ये तो रो रो के लेती, बोले हम कौन से घर में मन लगता है, हम भी चाहते हैं जाने के लिए, हम भी चाहते हैं कि जाएं उनको ये थोड़ा देख नीलमणि की एक झांकी देख ले। और कोई भी जाते हैं, उनके ताई उनके चाची कि कोई और भी कोई जाते हैं, तो सभी के प्रति कृष्ण के मातृभाव था और सभी माता ने उनके प्रति पुत्र भाव रखते थे। कोई जाता था स्नेह ने मेरे कन्हाई मेरे कान्हा बोलता था तो कृष्ण उनके गोद में चढ़ जाते थे, और कृष्ण गोद में आ जाने से पूरा शरीर में जान सो 132 वोल्ट के करंट खिल गया, इतने सिहरण आ जाता था, पूरा शरीर संपूर्ण रोमांचित हो जाता था, आनंद के लहर चला जाता था। और कोई भी स्त्री ऐसा नहीं था ब्रज में जो कृष्ण को गोद में लिया और उसको छोड़ना चाहेगा, बड़ा दुख होता था, छोड़ना नहीं चाहते थे, इस प्रकार की प्रेम था। तो इसलिए बच्चों को तो मैं बोला कि बच्चा ने अपने माँ के स्तन पान करना भी भूल जाते थे, दूसरे खाना पीना खाएंगे, वो जब कृष्ण के साथ रहते थे तृप्त रहते थे, सभी सभी उनके साथ सेट कर बैठना, वो जो करेगा वही करेंगे, सभी को ही लगता था इस हिसाब से। और जब उन्होंने भूमि पर बैठ करके रेंग कर चलने लगे घुटर वन में, तो पूरे ग्रुप उनका साथ रहते थे चलते थे, तो और देखने बनता था। तो सारे माताओं ने प्राय आ करके उनको देखा करते थे क्या करते हैं। एक समय सारे सखाओं के बीच में नीलमणि बैठे हुए हैं और उनके जसोदा रोहिणी और उनके अतुला कुबला तुंगी पिबरी सब उनके घर के स्त्रियां सब देख रही हैं कि कृष्ण ने कुछ आश्चर्य होकर कुछ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सब देख रहे हैं स्त्रियां कि क्या देख रहे हैं, जाके पता लगाए और देख रहे नहीं, दूसरे उनके साथियों को उनके छोटे छोटे हाथ उनके कंधे में रख करके बुला रहे हैं कि ये देखो ये क्या है। मालूम है क्या करते थे, नीचे तो रत्न की फर्श था और उनके प्रतिबिंब को देखते थे, अपने मुख को, अपने मुख को देखकर बोलते वो कौन है इतने सुंदर, उसको पकड़ना चाहते थे, वो पकड़ में नहीं आता था, अपने प्रतिछवि को देख करके आश्चर्य होकर पकड़ना चाहते थे और पकड़ में नहीं आता था, दूसरे को बुलाते थे हेल्प करो मुझे देखो ये कौन है, वो पकड़ में नहीं आता, उसको देख करके सब हंसने लगते थे, उनको लगता है कि हंसते क्यों है। और कभी कभी इधर उधर चलते थे, आकाश में चिड़िया उड़ते हैं, आकाश को तो नहीं देखते, नीचे चलते तो उनका छाया नीचे चलता था, उसको पकड़ना चाहते, पक्षियों की छाया जो नीचे चलता है उसको पकड़ना चाहते दौड़ते दौड़ते। और इस प्रकार से शाम के समय, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, दीप सिखा जलता था, संध्या के समय दीप जलाएंगे घर में, उनको लगेगा कि तो शायद खाने के चॉकलेट है, सीधा जाकर मुंह में डालना चाहते, दीप को उठाकर मुंह में डालना चाहेंगे। पाकशाला में तभी जमाने में गैस चूल्हा तो था नहीं, लकड़ी से कंडा से कुकिंग करते थे, लाल लाल अंगार उनको लगता था वो खाने के योग्य वस्तु है, उसे पकड़ कर दौड़ कर जाते थे उसे पकड़ने के लिए।
ज्ञान नहीं है। माताओं को पूरा, सेवकों को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चे हैं घर में, कहीं छुरी है, तलवार है, इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनको क्या पता, जाकर उसको पकड़ेंगे, उनको गिराएंगे, पलटाएंगे, कभी शरीर में लगे तो कितने ध्यान रखे, कहाँ कहाँ भागते रहते हैं। अब पूरे घर में, आंगन में वही चलता था। एक समय एकादशी के दिन था, ओ पानी सिंगड़ा होता ना, पानी फल, उसमें कांटा होता है बहुत, उसको छीलते ना उसका अंदर निकलता है, तो छिला जाता था सिंगड़ा ला करके, बहुत कांटे कांटे, दौड़ कर गए उसको पकड़ने के लिए। अच्छा हुआ कि माताओं ने जा करके पहले उन, नहीं तो कांटे को देखना, कोई उनको भय नहीं था। और भगवान चाहे किसी भी अवस्था में रहें, वो सर्वज्ञ शिरोमणि है, सब कुछ उनको पता है, लेकिन फिर भी जब शिशु अभिनय करते हैं, शैशव लीला करते हैं, इतने इतने मनोहारी लीला होता है। और विशेष करके जसोदा और रोहिणी इतने चिंतित रहते थे कि पता नहीं क्या करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, हमेशा वो दोनों और सेवक सेविका को हमेशा सतर्क करते थे कि ध्यान रखना। और अभी तो केवल आंगन में ही रहते थे बच्चों के साथ में, घर में, अब धीरे धीरे 8 महीना के हो गए, बाकी बलराम, देवप्रस्थ, वरुणथप, विशाल, ये तो बताया था ना, घर के एक दहली होता है, उसको पार कर लेते हैं, थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन कृष्ण अभी दहली नहीं पार करते थे, दहली समझते ना, दौड़ कर जाते थे, वहीं बैठ जाते थे, और बलराम आ करके उनको उठाने के प्रयत्न करते थे। बलराम का ये बचपन से स्वभाव रहा दूसरे को हेल्प करना, दूसरे को यथाशक्ति मदद करना, वो आकर उठाने लगते थे, और सारे घर के माताओं ने उनको प्रेरणा करते, नहीं 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 नहीं, बल तुम हट जा, चलो और प्रयास करो, लेकिन कृष्ण पार नहीं कर पाते थे। लेकिन हठात एक दिन एक मयूर के पीछे भागते भागते पार कर गए दहली को, दहली को पार कर गए, उनको पता नहीं चला, पेट के बल पर उसके ऊपर हाथ को संभाल कर बड़े धीरे से उठ करके चले के पार हो गए। अब मयूर को भूल गए, बैठकर देखने लगे, अरे मैं इसको पार कर लिया, इतने बड़े सक्सेस, अब भूल कर उनको देखने लगे, इतने दिनों से जो मैं प्रयास करता था नहीं हो रहा था, अब तो पता नहीं पार कर लिया। तब देख करके सभी देख रहे हैं, फिर दोबारा उसको पार किए, प्रैक्टिस किए, 3-4 बार ऐसा किए, तो अभी पास हो गया, अभी पार कर लिए, सभी खुशी हुए कि कम से कम अभी पार कर लिया उन्होंने, अपने आप अकेले पार कर लिया। लेकिन चिंता और बढ़ गया, अब तो घर में नहीं रहता, अब तो जब मन करता है बाहर चला जाता है, आंगन से बाहर, दहली से बाहर जा करके, रास्ते पर कोई भी चलता है उनके पीछे पीछे चलता है, और बोल सकता है केवल 2 ही अक्षर बोल सकता है, दा नहीं तो माँ, भाई लोगों को दा बोलेगा और स्त्रियों को माँ बोलेगा, केवल नंद बाबा को बाबा बोलता था, उनके अतुला, कुबला आदि चाचियों ने बोलते थे हमको थोड़ा चाची बोल, होता ही नहीं था उनसे, हंस हंस करके माँ ही बोलेगा, उनके गोद में चला जाएगा। तो कहते हैं कि महर्षि शांडिल्य कहते थे कि जो बालक बचपन में हर्ष स्वर उच्चारण नहीं कर पाते, दीर्घ स्वर उच्चारण कर पाते हैं, वो आगे चल करके महाप्राज्ञ होंगे, बड़े श्रुतधर होंगे,
वहाँ प्राण को उच्चारण कर सकते हैं। एक दिन अतुला चाची ने देखा कि नीलमणि के ऊपर के मसूड़े फूले हुए हैं, मतलब दांत आने वाला है, दांत आने वाला है। बोलते हैं कि आकर बोला जसोदा, अब नीलमणि के दांत उगने वाले हैं, अब मसूड़े फूले हुए हैं, ये तो मामा के लिए भारी होता है, लेकिन तुम्हारा तो कोई भाई ही नहीं, उनका तो मामा है ही नहीं, किसके ऊपर इफेक्ट जाएगा? मामा तो एक मथुरा में है, उनके ऊपर तो भारी होगा ही, वो तो ऑलरेडी टेंशन में बैठे हैं। मामा के भारी होगा क्या? तो इस प्रकार अब दहली पार करके कृष्ण चले जाते हैं और उनके साथी से उनके साथ भी जाते हैं, और जा करके क्रावलिंग करते घुटरू वन में दौड़ते दौड़ते जाते हैं, और किसी को लगता था कोई स्त्री को इतने सुकुमार लड़का है, कैसे उनके मृदुल कर शरण थक नहीं जाता होगा, और सचमुच थक जाते थे, दौड़ते दौड़ते जाते थे, थोड़ी देर जाकर के थक जाते थे तो पेट के बल पर थप लेट जाते थे वहीं, और पीछे मुड़कर ऐसे देखते थे कोई आता है कि नहीं, कोई अगर आता है उनको उठाने के लिए फिर उठकर दौड़ते थे, थोड़े चलते थे फिर लेट जाते थे थक करके, तो हटात देखे उठ करके बैठे, बैठ के बैठ गए, अब इधर उधर हूँ हाँ करके चिल्लाते बुलाते हैं सबको। अब भले घर में बड़े लोग भी हो, सबका कुछ ना कुछ समस्या होता है, उनको समस्या जितना उनको तकलीफ देता है, उनका भी समस्या शिशु का उनको भी इतनी तकलीफ देता है, उनको कुछ समस्या है, बड़े प्रयास करता है, क्या कोई एक चीज़ है जिनको समझ नहीं पा रहे, पकड़ नहीं पाता, वो था कि काली काली चींटी चल के दौड़ रहा था, उसको देख लिए, बैठ के देख रहे थे वो कौन है क्या जीव है, तो उसको पकड़ना चाह रहे थे, वो दौड़ते रहा था, तो कुछ उपाय न देख कर पूरे हथेली धर दी उसके ऊपर, बोले अब कहाँ जाएगा, पूरा थप दिया हाथ, चींटी छोटा सा चींटी था, काली चींटी थप दी, थप करके सोचे अब तो पकड़ में आ जाएगा, ऐसे करके उठे नीचे तो है ही नहीं, चींटी कहाँ चला गया, अब ढूंढते ढूंढते चींटी नहीं देखा, बोले कहाँ चला गया, यहीं तो था, मैं अभी हाथ पटाया, हाथ उठाया तो चींटी नहीं, कहाँ चला गया, अब तो था, मैं इसको दबाया उठाया तो चींटी नहीं, आश्चर्य होकर इधर उधर देखे, लगा कुछ हाथ, हाथ में देखे चींटी हाथ में दौड़ रहा है। अरे अब तो और चिल्लाने लगे, रोने लगे कि वो हाथ में कैसे आ गया, कैसे निकल गया हाथ से, हुई हाथ उठा करके ऐसे ऐसे करके बैठे बैठे करके चलने लगे, वो क्यों हाथ में आ गया, कैसे निकालो उसको, वो बुद्धि नहीं काम करता। और वेद में उनके परिचय दिया जाता है कि ज्ञान घन है सर्वज्ञ शिरोमणि, और उनको समझ में नहीं आता चीटी हाथ में आ गया उसको कैसे निकाला जाए, चिल्ला कर रोते रोते बैठते बैठते आते हैं, अब घुटमन हो चलने नहीं क्या हो जाएगा, हाथ ऐसे ऊपर करके, पानी बहुत प्यारा है उनका। एक दिन दहली पार करके जा रहे थे, एक जल पात्र था उसको लुढ़का दिए, पानी गिर गया, थपकाने लगे, कीचड़ करने लगे, तो सारे बच्चे आ गए, और सारे जमुना किनारा है, सब चांड है, बालू है कोई, ये तो है ही नहीं, तो पूरे कीचड़ करके तो एक दूसरे मुंह हाथ में से लगाते थे, उनको लगा उनको लगा, पेट में पीठ में मुंह में, सारे पानी डालकर ऐसे करते हैं, केवल कीचड़ नहीं, गोबर गोमूत्र सब ऐसे उनका एक दूसरे को लगाना, विशेष करके रोहिणी माता सारे बच्चों के ऊपर अंकुश रखती है, अरे ये क्या करते हैं, दौड़ कर जाते तो हंस हंस करके सब उनके पास दौड़ाएंगे, और उन्हीं के साड़ी में साफ हाथ साफ करेंगे। नीलमणि तो उनको मुंह में,
लेकिन रोहिणी देवी ऐसी थी कि अभी उनको कभी क्रोध करना आती ही नहीं। जसोदा जी कहते हैं कि जीजी आप कभी बच्चों पर क्रोध नहीं करते, इसीलिए सब दुष्ट हो गए, बड़े चपल होने जा रहे हैं, आप थोड़ा उनको डांट पीट कर डांट कर करना। लेकिन रोहिणी को डांटना नहीं आता। रोहिणी और जसोदा पूरे ब्रज गोकुल के जितने शिशु हैं सभी के लिए दोनों माँ ही थे, एक साथ में सबको संभाल सकते थे, सबके प्रति इतने वात्सल्य था सबका। तो इसलिए सारे बच्चे अपने अपने घर छोड़ करके नंद भवन आते, और बच्चों के चलते उनके माता, उनके पिता, उनके संबंधी वो आते, लेकिन सचमुच उनका भी इच्छा होता आने के लिए, वो भी आते, आप को चले अच्छा हुआ उनके हम भी आया चलते देखने के लिए, सभी आते थे कृष्ण को देखने के लिए। अब अभी जब आंगन से बाहर गए तो इतने उत्पात मचाने लगे, पता नहीं पूरे ब्रज में जितने वन मृग थे, वन पशु थे, अब वन में कि सरोवर में नहीं, सब आ करके नंदांगन में रहने लगे। अब क्या करें, सारे कपि बंदर वो छोड़कर जाते ही नहीं, बच्चे आ गए उनके साथ, उनको भगाओ तो भागेंगे नहीं, यहीं कूद करो यहीं आ जाए, पक्षी भी आकर बैठे रहेंगे, पशु पक्षी सब हमेशा और उनके साथ बैठ रहेंगे। कपोत, मयूर, काग, मैना, सारस, सभी पक्षी। कपोत तो फिर भी थोड़ा साधु पक्षी है, लेकिन बाकी बड़े छोटे पक्षी हैं, कई कोई चोंच लगा दे तो, पंजा लग जाए तो, इतने सुकुमार कोमल शरीर हैं छोटे छोटे बच्चे। लेकिन सब जाकर कोई पंख पकड़ते हैं उनका, कुछ करते हैं, लेकिन वो कोई नहीं जाते हैं, वहीं बैठे रहते हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे। तो आकर के किसने बोला इतने पक्षी उनको उड़ा दो, लेकिन जसोदा माया जा करके उनको दाना डालते हैं। अरे दाना डालते हो खाने के, कभी छोड़कर जाते नहीं। तो ये पशु पक्षी वन में छोड़ करके आकर ही देखते हैं कि इस नंदनंदन का सानिध्य पाने के लिए सब आ जाते हैं, बिल्ली, चूहा, चींटी, सब सभी उनका सानिध्य चाहते हैं, लेकिन सबको ध्यान है कोई कष्ट तक नहीं पहुंचाएंगे, कोई पशु पक्षी ना दांत लगाएंगे, ना पंजा लगाएंगे, ना बहुत सतर्क रहते हैं। बंदर भी उन्हीं के साथ रहेंगे, वो उनको पूछ खींचेंगे, कान खींचेंगे, बच्चे लोग कुछ नहीं करेंगे, दूसरे आने से दांत दिखाएंगे। एक दिन तो देखे कि एक छावड़ कुत्ता था, उसके मुंह में दांत गिन रहे थे नीलमणि जाकर, मुंह खोल कर, मुंह उसका खुला है, वो हाथ डाल करके इसे डालकर गिन रहे थे कितने दांत है उसका, और दाऊ जाकर के उनके ऊपर चढ़ रहे थे बैठने के लिए, विशाल उनका पूछ को सीधा करने लगा था, और किसने उसको कान खींच रहा था, लेकिन फिर भी वो शांत था, ये शांत। तो इस प्रकार वन पशु पक्षी भी हमेशा आनंद आंगन में आकर रहते थे और उनके सहचर्य पाने के लिए, और केवल यही आशा लेकर रहते थे कि उनको दर्शन करेंगे, उनको दरस परस मिल जाए, और अगर कभी महासौभाग्य हो तो नंदनंदन कुछ खाते हुए उचिष्ट नीचे गिर जाए उसको हम पालें, किसी में मुंह नहीं लगाएंगे, कभी भी घर तक चले जाएं, कक्षे में चले जाएंगे, किसी चीज में चंचू तक नहीं लगाएंगे, हमेशा पंजे बहुत सतर्क रहते हैं कि उनको टच ना कर जाए, कोई खरोच ना लग जाए, बहुत सतर्क रहते हैं सारे पशु पक्षी, और हमेशा यही आशा रखते हैं कि कभी उनको माखन हो, कुछ भी हो, उनके मुंह से निकलकर नीचे गिरे लपक पड़ेंगे, उसको उठा लेंगे, यही आशा रहता। क्यों, ब्रजमंडल में केवल पशु पक्षी
चीटी कीड़े मकोड़े नहीं, यहाँ से पेड़ पौधे भी सब संत महात्मा हैं। और उनका जीवन से शुरू से यही अभ्यास है प्रसाद भोजी, और डायरेक्ट ठाकुर जी उनसे प्रसाद कौन नहीं चाहेगा, लेकिन बिल्कुल सतर्क रहते हैं कि कोई उनको कष्ट ना हो, हमेशा वही रहते हैं। और भगवान भी जानबूझ करके उनके संग में रहते हैं, पूरे स्टाफ को लेकर के, चाहे उनके उनके ऊपर बैठे खींचे कुछ भी करे, वो कोई आघात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन डर तो रहता है माताओं को। खैर पशु हैं, पक्षी हैं, कुछ नहीं करते, पंख लग जाए, पंजा लग जाए, क्या होगा, लेकिन क्या करें, वो मानते नहीं हैं, हमेशा बैठे रहते हैं वहाँ, हमेशा बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार जो नंदनंदन जितने बड़े होते जा रहे हैं कि अभी बाहर गए, घुटबन में चलने लगे, दौड़ने लगे, रास्ता पर दौड़ते कितने दूर चले जाते हैं पता नहीं, ब्रज की रास्ता में तो छकड़ा दौड़ता है, छकड़ा समझता है ना, बैलगाड़ी चलता रहता है, बैलगाड़ी के कोई हर्न होता है ना, क्या होता है, शीशा होता है, थोड़ी कैसे देखेंगे क्या है, बच्चे कहाँ से आ गए पता नहीं चलेगा, बैलगाड़ियाँ चलता है, कितने पशु पक्षी चलते हैं, कौन चलते हैं, लेकिन उनको क्या पता, दौड़ते हैं। पूरा ध्यान ना रखा जाए किसी समय क्या होगा, हमेशा चिंतित रहना पड़ता था, इतने चिंतित रहना पड़ता था, कहाँ गए, कहाँ गए, किधर गए, कैसे गए, हमेशा चिंता। तो लेकिन फिर भी जितने भी आसपास में नंदगोकुल में पशु पक्षी सब आ करके वहीं घेरे लगाकर बैठते थे ताकि उनके दरस परस लगे, उनको कुछ मिले। जब भगवान अभी लगभग 10 महीने के आसपास हो चुके हैं, एक समय एक बाबा जी आए दर्शन करने के लिए, आकर के अलख निरंजन, तो बाबा जी साक्षात भगवान शंकर थे, वो आए दर्शन करने के लिए, नंद नंदन का दर्शन करने के लिए आए थे। उनके साथ में एक असिस्टेंट आया था, वो था काकभुसुंडी, 8-9 साल के लड़का उनके असिस्टेंट बन करके आया था उन्होंने, और वो तो ड्रेस नहीं चेंज किए थे, अपने यूनिफॉर्म में आए थे बाबा जी, बिल्कुल पिंगल जटा था, कर्पूर और मेरे शरीर में चंद्र उज्ज्वल विभूति लगाया हुआ था, और नीला कंठ था, त्रिनेत्र था, पंचवक्त्र धारण नहीं किए थे, 5 मुख नहीं था, द्विभुज बन करके आए थे, लेकिन जहाँ तहाँ शरीर में रुद्राक्ष और सांप अलंकार लगा हुआ था, ऐसे बड़े कठोर वेश धारण करके आए थे, और उनके सामने असिस्टेंट था, और नाम गान करते हुए आ करके नंद आंगन में पहुँचे, नंद भवन के सामने, और जब डाक देने लेते हैं इस प्रकार में, तो सबसे पहले घर के द्वार पर भाई साहब आ गए, भाई साहब मतलब दाऊजी आए, वो लगभग साल भर की उम्र के दिगंबर है, दिगंबर समझते ना, हाँ, कोई कपड़ा वपड़ा नहीं पहने, वही थिरकते थिरकते चलते चलते आए, और उन दोनों पहले उनको देखे, शंकर जी प्रणाम किए, और वो भी उनको देखे, उनका आँख में आश्चर्य था, थे छोटे बालक, लेकिन छोटे बालक होने पर भी उनके महिमा तो उनके साथ हमेशा रहता है, आश्चर्य बोलते ये दोनों इधर कैसे आए, यहाँ क्या करते हैं, कैसे इधर कैसे, लेकिन हंस दिए, बोले नहीं, उनके चरण को दर्शन के फिर चले गए, उन्होंने आश्चर्य करके चले गए। तो
दासियां जा करके बोली रानी जसोदा को, बड़े एक बाबा जी आए हैं, बहुत ऐसे लगते हैं विशाल। तो जसोदा ने एक स्वर्ण पात्र में कुछ रत्न लेकर के आई भिक्षा देने के लिए, भिक्षा लीजिए। बाबा जी ने बोले, मैया हमके पत्थर से क्या है, हम भी तरागी है बैरागी है, पत्थर लेकर क्या करेंगे, सोना चांदी पत्थर तो है, हमको नहीं चाहिए, फिर किसी क्या चाहिए ना, हमको जो भिक्षा चाहिए आपके लाल को दर्शन करने के लिए आए हैं, हम तो हिमालय से आए हैं, बहुत दूर से, बहुत दूर से आए हैं, एक आशा लेकर के आपके लाल को दर्शन करा दो बस, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तो माँ ने देखा उनको, देख कर बोला, बाप रे बाप, आपके भयंकर रूप, मेरा लाला अभी छोटा है, बड़ा अबोध है, शिशु है, वो डर जाएगा, प्लीज ऐसा मत करो आप, क्या ले ले जाइए, वो डर जाएगा, मैं नहीं लाऊंगी उनको, नहीं 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 लेकर आए, डरना नहीं, मैया चली जाती थी। उनको बताया, असिस्टेंट ने बोला, मैया आप नहीं जानते ये महाजोगी है, वो बहुत बड़े भविष्य गणना करेंगे और आपके बच्चा का सारे अमंगल नाश हो जाएगा, ये होगा, एडवर्टाइज किया। तो मैया ने देखा उनको कि खूब बोल रहा है उनके बारे में, बोला ठीक है घर में बैठिए मैं देखता हूँ। शंकर जी बोला, हम घर में नहीं बैठते हैं, हम बाहर रहेंगे, यहाँ ले आओ, हम दर्शन कर लेंगे, हम चले जाएंगे। तो मैया को राजी नहीं हुआ, बोला ना, लेकर आ रहे थे लेकिन उन्हें डर लगा, नहीं वो सांप फांप वो है, इतने भयंकर जटाजूट ले गई छिपाकर, बोला ना 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 ना, मुझे डर लगता है, नहीं लाऊंगा। अब शंकर जी को लगा, अरे मैं हिमालय से इतने दूर आया, अरे मैया ने मुझे दर्शन नहीं दिला रहे, वही कुछ भिक्षा रत्न देकर विदा कर देता है, इन्हें कितने एडवर्टाइज क्या सिखाए, ले आओ बहुत मंगल होगा, लेकिन वो लाते ही नहीं, नहीं नहीं डर जाएगा, मैं नहीं लाऊंगा लाला को, कोई माँ भी नहीं चाहेगा ना इसे दुख दर्शन कराने। तो शंकर जी बहुत अनुनय विनय किए, प्लीज दर्शन कर, लेकिन माँ ने राजी नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, शंकर जी हट करके चले गए, जा करके बैठे थोड़े दूर में, और लाला ने रोने लगे, घर में रोने लगे, रोने लगे तो किस लिए रो रहे हैं, उनको शांत करने के लिए नाना विधि उपाय किया गया, चुप नहीं होते, रोते ही गए, रोते ही गए, रोते गए। अब सारे दास दासियां आ गए, क्यों आज रोना नहीं बंद कर रहे हैं, तो बोले कि जो बाबा जी आया था वो जब से गया तब से रोना शुरू कर रहे हैं। ना हाँ बात तो सही है, वो कुछ करके गया होगा, बाबा जी आया था खूब बोल रहा था, वो देखना चाह रहा था, चला गया ना। मैया हो सकता है उनको दिखा देने से शायद चुप हो जाए, अब बच्चा रो रहा है शांत नहीं हो रहा है, तो ठीक है दिखा देंगे, अब क्या कर रो नहीं रहा, तो चलो दिखा देंगे, देखो कहाँ गया, बाबा जी तो है नहीं, आप मना कर दिए, बहुत कहाँ रोट कर चले गए। ढूंढते ढूंढते देखे दूर से बैठे थे ध्यान लगा करके, अब गए उनको बुलाने के लिए, दासियां जाकर बुलाया, बोले बाबा चलो अब माँ राजी हो गया, अब दर्शन कराएगा, चलो। अच्छा राजी हो गया दर्शन, हाँ चलो। अब जिसके क्योंकि वो राह पकड़ के रो रहे नंदनंदन, शांत नहीं हो रहे, जैसे फिर द्वार पर आए जोगी, अब लेकर उनको दिखाए दर्शन कराए, तो किलकने लगे, हंसने लगे देख करके। अब कौन क्या जाने, ये कौन है क्या है, वही जानते हैं दोनों दोनों को। वो बोले और थोड़ा नज़दीक आओ, नहीं 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 डर जाएगा, नहीं अरे कोई डर नहीं, और नज़दीक आओ। बोले कपड़ा ढांग कर रखे थे, बोले नहीं कपड़ा हटा दो, भगवान ने स्वयं अपना हाथ से आवरण हटा दिए, और उनके बोले चरण हम थोड़ा दर्शन करेंगे, चरण के रेखा को दिखा रहे थे, काफी बोले देखो ये रेखा ये सब, और उनके जटा से झाड़ करके
और इतने प्रसन्न चित्त होकर किलकने लगे, हाथ पर उछलने लगे। माँ जसवंती बोला, अब तक तो घंटों से रो रहा था, अब तो प्रसन्न हो गया। बाबा जी आप एक काम करो, आप यहीं रहो, हम आपके लिए एक फ्लैट यहीं बना देते हैं, आप कहीं मत जाना, जब जब मेरा लाला रोएगा तो आप दर्शन देना, तायु शांत तो हो जाएगा। नंद भवन में अब नंदीश्वर बनाकर उनको रख लिए, हिमालय से आए थे, वो वहीं रह गए। बोले धन्य हो गए, बोले ठीक है यहीं रहेंगे। तो वो तो चले गए दर्शन करके, वो जो उनका असिस्टेंट बनकर आया था फिर अपने स्वरूप में आ गए। कौवा थे, कांक थे वो तो, और उनका तो ये सर्वेश्वर है, उनको जानते हैं ये कौन है। चाहे वो चक्रवर्ती राजा के पुत्र बनकर के आए, राम बनकर के आए अयोध्या में, या श्याम बनकर के आए गोकुल में, है तो वही उनके ईश्वर है। लेकिन अयोध्या में जब राजकुमार बनकर आए थे तब वहाँ कोई प्रतिद्वंदी नहीं थे, वो जाते थे, वो कुछ उनका झूठन गिरा देते थे, वो खा करके आते थे आंगन से कोई। लेकिन यहाँ तो घेरे बैठे सारे पशु पक्षी डेरा लेकर बैठे हैं, यहाँ तो चांस ही नहीं उनके पास से बैठने का। लेकिन काक ने ऊपर से हमेशा आनंद भवन में ऊपर उड़ते थे, और जानबूझ करके कभी कभी रोटी माखन हाथ में लेते थे, वो उनके हाथ से ले जाता था आकर के, और नीचे गिरने तो दूसरे लोग ले जाएंगे, चांस नहीं था उनका, वो हाथ से लेना पसंद करता था। तो भगवान के ये जो एक साल के नीचे ये जो उम्र में ये जो अलग अलग प्रकार की अति आकर्षक लीलाएं। अब एक दिन माँ जसोदा ने कृष्ण को लेकर के, और कृष्ण जैसे जैसे अंग प्रंग पुष्ट होता है, इतने सुंदर लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं, तो उनको लेकर के अलग से स्तनपान करा रही थी, और उन्हें श्री मुखचंद्र को निहार रही थी। तो उनको लगा माँ को ये दूध पीता ही रहता है, अपच हो जाएगा ज़्यादा पीने से, तो उनको थोड़ा डाइवर्ट करना चाहते थे कि और ज़्यादा पीना नहीं चाहिए, इधर उधर बातें करके, लेकिन वो दूध पीते थे। लेकिन माँ ने डाइवर्ट करना चाहते थे कि इंडाइजेशन हो जाएगा, नहीं पीना चाहिए। अब उनको लोरी सुनाने लगी, थपथपाने लगी, तो उनको थोड़ा सा नींद आलसी आने लगा, तो नीलमणि ने जमाई लिए, जमाई समझते ना, जमाई लिए तो मुंह खोले, छोटी सी मुंह खोले तो माँ ने झांकी मुंह के अंदर। पहले तो उनको लगा अरे ये दूध माखन दही सब उसका अंदर दिखता है क्या, कोई आज ही टी सब रखा हुआ है, कोई पत्ता पत्ता भी खाया था क्या, मिट्टी फिट्टी भी खाया क्या, क्या है। ढंग से झांक करके देखे, अरे ये तो पूरे संसार दिखता है, सारे पर्वत सारे नदी आकाश ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र अब सब कुछ, जितने गांव है गाय है बछड़े सब कुछ दिखे उनके अंदर। वहां जसमती तो बोला ये छोटी सी तो मुंह है, ये सारा दुनिया कैसे उसके अंदर अंट गया। एक्चुअली जसोदा माँ इतने चिंतित थी कि इतने नटखट कर रहे हैं, चंचल है, इधर जा रहे हैं इधर कर रहे हैं ये सब कर रहे हैं, तो चिंता से दूर करने के लिए भगवान की लीला शक्ति ने उनको एक रूप दिखाया कि देख तू क्या सोचती है,
ये तो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है, ये दर्शन कराया। लेकिन ये ऐश्वर्य दर्शन करा करके फेल हो गया, क्योंकि माँ जसोदा के अंदर इतने वात्सल्य था, इतने वात्सल्य भाव था कि साक्षात भगवान की माया आकर के सर पटक दे, कुछ नहीं कर पाएगा। उनका पुत्रत्व कमी नहीं होगा, वहीं पर मथुरा में वसुदेव देवकी, जब उनके पुत्र जन्म होते उनके यहां गर्भ से, चतुर्भुज हो गए देख करके डर गए, और जहां कंस को और चाणूर मुष्टिक को मारे, बोली ये तो मेरे लड़का कैसे हो सकते हैं, ये विशाल का असुर को छोटा सा बालक कैसे मारा, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, डर गए, प्रार्थना करने के लिए हाथ जोड़ कर, मेरे पुत्र करके मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। थोड़ा सा ऐश्वर्य देख करके, गीता में हम पढ़ते हैं अर्जुन को भगवान ने थोड़ा सा अपने रूप को दिखाए विश्व रूप में, स्टीयरिंग पकड़े हुए थे, कोई पोस्ट नहीं चेंज किए थे, वही गाड़ी का ड्राइवर सीट पर बैठे थे, स्टीयरिंग पकड़े हुए, बोले देख कैसे देखूं, बोले चश्मा पहनो, नंबर वाला चश्मा, दिव्यम ददाम इते चख्यु, दे दिए। और अर्जुन चश्मा लगाकर जब देखने लगे, और छोर नहीं दिखता, देख करके अर्जुन थर 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 कांपने लगे, प्रणाम करने लगे, बोले हुआ रे उसार, आप है कौन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो आपको मेरा सखा समझ रहा था, कई बार आपके साथ बैठना उठना खाना पीना, प्लीज एक्सक्यूज मी। अर्जुन परम मित्र सखा, तो ये हाल हो गया। लेकिन यहाँ नंद जसोदा, उनको कोई ऐश्वर्य कुछ नहीं कर पाए, सारे भगवान के ऐश्वर्य फेल। कितने दिखाया कि सारे ब्रह्मांड देख लो मुंह के अंदर, देख करके माँ जसमती और चिंता में पड़ गए, मेरे बेटा को हो क्या गया, ये कैसे संभव है, कुछ तो गड़बड़ हुआ। अब ला करके गोमूत्र पिलाएगी, पिला कर छोड़ेगी, अरे भैया उनको पेट खराब नहीं हुआ है ना, अब तो क्या करे, पुत्र तो है उनका। जिनको स्मरण करने से जो निखिल मंगल मूर्ति है, उनके मंगल कामना करने के लिए अभी गोमूत्र पान कराएगा उनको, और गो रज से स्नान कराएगा, गो पूछ चढ़ेगा उनको, कि कोई असुर फसुर आ गया, ये कैसे संभव है, उनके अंदर में क्या देखा है, सब ऐसे कैसे हो गया। उनको ले करके जाएंगे साथ में, माँ जसोदा ने लेकर जाएंगे शाम के समय, बोले ये सब गाय हैं, उनको दीप से आरती करो, और गाय के चरण में सर रख करके प्रणाम करो, गो माता ये क्या हो रहा है तेरे अंदर, सब मैं दुनिया देख रहा हूँ तेरे अंदर, ये कैसे संभव है, तू गो माता के चरण में प्रणाम कर, अब ये करना पड़ेगा भगवान को, क्यों दिखा रहे थे अपने ऐश्वर्य। भगवान बोले मैं भगवान हूँ, तू भगवान हो, यहाँ एक ऐसा काम करना पड़ेगा, गोबर खाना पड़ेगा, गोमूत्र पीना पड़ेगा, ये भगवत्ता दिखा कर फंस गए। अगर नहीं दिखाते तो ठीक थे। तो इस प्रकार भगवान ब्रज में जा करके, इसीलिए ब्रज को छोड़, ब्रज में अपने परम ये अति सुमधुर मधुराति मधुर लीला करते हैं, क्योंकि ब्रज का जो भाव है इतने ममता और वात्सल्य के भाव है, वहाँ भगवान अपनी भगवत्ता अपने ऐश्वर्य सब कुछ फेल मार जाता है। ये है विशेषता ब्रज के।
तो भगवान ने इस प्रकार ब्रज में जो अपने शिशु अवस्था में अनेक 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 लीलाएं और अति आकर्षक लीलाएं जो किए थे, इसको सुखदेव गोस्वामी संक्षेप में इसको इस प्रकार वर्णन करते हैं कि इस प्रकार से नंद जसोदा इतने भगवान के प्रति पुत्रत्व भाव था कि उनको भगवान की माया भी उनके सामने हार मान कर रहा, उनके मन में कोई अंतर नहीं आया कि ये कुछ महान है कुछ नहीं, नहीं नहीं छोटा बेटा वो क्या है उनका। जबकि बताए जा करके नंद बाबा को बताए और सब ऋषि मुनि आए ब्राह्मण को बताए कि मैं तो आज इसे देखा बेटा के मुँह से इसे देखा, सांडिल्य आदि ऋषिगण ब्राह्मणगण वो बोले उसमें आश्चर्य क्या है, तो नेचुरल उसके अंदर तो सब कुछ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड को धारण किया, रोम रोम में निकलता है। बेचारे ब्रजवासी वो तो पढ़े लिखे तो है नहीं, उनको समझ में नहीं आया ऐसा, बोले पता नहीं ब्राह्मण लोग ऋषि लोग को क्या बोलते हैं, फिलोसफी वही जाने, ये कैसे उनके अंदर ऐसे हो सकता है। बुला बोले कनु इधर आओ मुंह खोलो अंगुली डाले, कुछ तो नहीं है दो ही तो दांत है, ये कैसे है गया आ गया, बोलते हैं कि सब है उसके अंदर। वो नहीं समझ पाएंगे, बल्कि बोलते हैं कि ठीक है हमारे ब्रज के नव युवराज उनको ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा की जरूरत नहीं है, उनको तो आगे चलकर गाय चराना है, वही हमारा राजा बनेगा, ग्वाला राज ग्वाल राज, हमको कोई इतने पंडित नहीं बनना है। इसलिए उनकी पंडिताएं की भाषा समझ नहीं आता, ये सब कुछ उसके अंदर है ये है बोल के कैसे अंदर है, कुछ तो है नहीं उसके अंदर, इतने निच्छक पुत्रत्व भाव, ये केवल सी नंद जसोदा के ही पास संभव हो सकता है, नहीं तो बाकी अन्य स्थान में अन्य पात्र में संभव नहीं है। तो इसलिए भगवान ने भी बिल्कुल शिशु भाव से ही उनके अपनी लीला को दर्शन करा रहे थे। यद्यपि इस लीला के अंदर कभी कभी जैसे अति आश्चर्य, लेकिन उनको आश्चर्य नहीं लग रहा था, पूतना को भगवान ने जब आउट किए तब 7 दिन थे भगवान, उनका उम्र था 7 डेज, 7 दिन के लड़का इतनी बड़ी महाराक्षस को बंद करे उनके प्राण पी जाए कोई संभव है, शकटासुर कितने बड़े शकट कलम बताते, त्रिनावर्त इतने विशाल, ये सब को देख करके नंद जसोदा जी क्या मालूम करते थे और बाकी ब्रजवासी क्या सोचते थे, वो सिद्धांत निकालते थे बैठकर मीटिंग करते थे, नंद जी जो भी हो लाला तो मुश्किल था लेकिन आप दोनों का बड़ा सौभाग्य है, नारायण ने बचा दिए, नारायण ने बचा दिए, नहीं तो यही बड़े बड़े असुर ऐसे बहाना कैसे बचता, भाग्य बड़ा जोर है, भगवान नारायण की विशेष कृपा है इसीलिए हो पाया, वही उनका सिद्धांत, दूसरे कुछ समझ नहीं आता उनको। इतने महान ऐश्वर्य दिखाने के बाद भी वो नहीं समझते हैं कि ये उनको बत कर पाएगा, ना 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 ये नहीं, ये तो भगवान नारायण की विशेष कृपा है कि इस प्रकार हुआ और आपके सौभाग्य है बच गया, इसे हो नहीं पाया। इस प्रकार के बिल्कुल सिंपल पुत्रत्व भाव जो है यही है ब्रज के भगवान के प्रति भावना। तो ये भगवान की ब्रज लीला और विशेष करके उनके शैशव लीला, आगे चल करके भगवान
फिर वर्ष पूरा होगा तब वर्ष गांठ और आगे आगे लीला करेंगे। तो आज हम लोग इस यहीं पे समापन करते हैं कि भगवान की शैशव लीला करेंगे।